आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर कौन निर्भर था, लेकिन जांच एजेंसियों और आम जनता के लिए पहले ही मुश्किल और तनावपूर्ण बनी हुई साइबर क्राइम ने एक नया मोड़ लिया है। शहर के लोगों के नाम पर सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर शहर के प्रतिष्ठित लोगों के नाम पर है। इस महीने शहर में कुछ ऐसे ही 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक किए जाते हैं। इसके साथ ही डमी अकाउंट्स बनाकर हाई प्रोफाइल सेक्स वर्कर के फोटोज और जानकारी अपलोड की जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो सावधान हो चाहिए, क्योंकि इस महीने शहर के साइबर क्राइम के कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो आपको चौंका देंगे। शहर के जाने माने लोगों की फेसबुक आईडी हैक करके और फिर उसी नाम से डमी आईडी बनाकर सेक्स रैकेट चला रहे थे। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने वाले इन गुनेगारों ने शहर के लोगों की फेसबुक आईडी हैक करना शुरू किया है। इसके बाद ये लोग डमी फेसबुक आईडी बनाकर उस पर अश्लील फोटो अपलोड करते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ वो लोगों को ब्लैकमेल करके मोटी रकम भी वसूलते हैं। पाए गए मामलों में एक पीड़ित म्यान का अधिकारी है, दूसरा सामाजिक क्षेत्र से है तो तीसरा सांस्कृतिक क्षेत्र का है। बदनामी के डर से लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से भी डर रहे हैं। एक्चुअली हे जुनच आहे, 2007 मध्येच आम्ही स्वतः याच्यावर एक एस्कॉर्ट सर्व्हिसेस प्रोवाइड करतात म्हणून एक केस केली होती। त्या केसमध्ये आम्ही खूप हाय प्रोफाईल काही मॉडेल्स आणि काही सेलिब्रिटी टाईप ऑफ लोकांना त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट होती। आत्ता हे नवीन असं जर घडत असेल तर आपल्या माध्यमातून जनतेला ही विनंती आहे की आपण जे जे स्वतःचे चित्र किंवा पिक्चर्स किंवा पर्सनल इन्फॉर्मेशन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअप किंवा इतर सगळ्या सोशल मीडियाच्या माध्यमावर टाकत असाल तर आपल्याला विनंती आहे की आपण ते विजिबल टू एंटायर पब्लिक करता की विजिबल टू युअर फ्रेंड्स अँड फॅमिलीज ओनली करता, हे महत्त्वाचं आहे। प्रायव्हसी सेटिंगमध्ये जाऊन जर आपण ते ॲक्सेस कमीत कमी लोकांना ठेवला आणि ते पण आपले मित्र किंवा नातेवाईक यांना ठेवला तर असे प्रकार घडण्याची शक्यता कमी आहे, आणि जर घडलं तरी त्यांना डिटेक्ट करण्याचे चान्सेस जास्त असतात। तर कृपया आपण कोणती काळजी, घाबरण्याचं कारण नाही मात्र काळजी घेण्याचं कारण आहे। आमच्या सी पी साहेबांच्या आणि इतर ऑफिसरच्या मार्गदर्शनाखाली आमची टीम ए पी आय माने आणि आमची सगळी टीम त्याच्यामध्ये मेहनत करते। जे प्रकार कोणासोबत घडले असेल त्यांनी तात्काळ नजीकच्या पोलिसांना जावं किंवा सायबर पोलिसांना यावं, तक्रार द्यावी, त्याच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल। इसमें हम हमारे दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि ऐसे मामलों का शिकार होने पर तुरंत ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करें। पुलिस डमी आईडी डिलीट करके इस मामले को सुलझाते हैं, सिवा इस मामले को गुप्त ही रखा जाता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।